अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हेडलाइंस। मैं हूं हसन इफ्तिखार, लेकर आया हूं आपके लिए दिन भर की सबसे बड़ी खबरें। आज की सबसे बड़ी खबर तो यही है कि इमरान खान साहब के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जो वज़ीर आज़म के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आज़म खान साहब, वो वादा माफ़ गवाह बन चुके हैं। आप लोगों के लिए खबर नई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने इसी प्लेटफॉर्म से, हेडलाइन के प्लेटफॉर्म से, नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपको ये खबर तकरीबन आज से दो हफ्ते कबल बता दी थी कि पाकिस्तान के बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट जो हैं वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बनने वाले हैं। ये ज़रूरत की नौबत क्यों पेश आई? वो नौबत इसलिए पेश आई क्योंकि और दीगर जो काम इमरान खान साहब ने आज़म खान साहब से करवाए, इलीगल काम जो थे उनके अलावा, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट काम उन्होंने इलीगल उनसे करवाया और आखिरी काम ही था शायद आज़म खान साहब का, वो जो उन्होंने किया इमरान खान साहब की ईमा पर, वो था साइफ़र का काम। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब की एक ऑडियो भी लीक आई थी, जिसके अंदर ये सारी गुफ्तगू ये कर रहे थे कि मैं इनके साथ, कि मैं साइफ़र के साथ खेलूंगा। आज़म खान साहब कह रहे थे कि मैं आपकी मर्ज़ी के नोट्स बना दूंगा, आपकी मर्ज़ी के मीटिंग मिनट्स बना दूंगा। उस वक्त आज़म खान साहब जो है वो इमरान खान साहब के बिल्कुल भरपूर साथ थे, उनका साथ दे रहे थे और वो सब कुछ उनके कहने पर कर रहे थे, बल्कि उनको नए नए मशवरे भी दे रहे थे। लेकिन जब मुश्किल वक्त आया इमरान खान साहब पर, तो आज़म खान साहब जो है वो उनके खिलाफ़ वादा माफ़ गवाह बन गए। आज उनकी तरफ से जो बयान आया है, इकबाली बयान, उसकी वैल्यू शायद सोशल मीडिया की हद तक तो इतनी ज़्यादा ना होगी, लेकिन इमरान खान साहब के लिए जो अदालती मुश्किलात हैं, जो उनके सर पर इस वक्त आन खड़ी हुई हैं, उनके अंदर ये आज़म खान साहब का जो इकबाली बयान है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। आज़म खान साहब जो हैं वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे वज़ीर आज़म के। मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान के अंदर सबसे ताकतवर ब्यूरोक्रेट जो होता है वो पाकिस्तान का प्रिंसिपल वज़ीर, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है। तमाम फेडरल ब्यूरोक्रेसी जो होती है वो उसके अंडर होती है, और इमरान खान साहब के होते हुए तो चूँकि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में भी उनकी हुकूमतें थी और बलोचिस्तान में भी उनके एलाइज की हुकूमत थी। खैर बलोचिस्तान में तो इतना इंटरफेरेंस नहीं था, लेकिन बलोचिस्तान, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को तो एक्चुअली चला ही आज़म खान साहब रहे थे। महमूद खान साहब जो वहाँ के वज़ीर आला हुआ करते थे, वो आज़म खान साहब की इजाज़त के बगैर एक फ़ाइल भी साइन नहीं करते थे। तो आज़म खान साहब जो हैं वो सब अच्छे और बुरे के अंदर इमरान खान साहब के भरपूर साथी रहे, लेकिन आज वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक वादा माफ़ गवाह बन गए हैं। इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि वादा माफ़ गवाह बनने वालों को जो कि कानून में प्रोटेक्शन हासिल है, तो शायद वो ये समझ रहे हैं कि उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाइयाँ नहीं की जाएंगी। सिर्फ साइफ़र ही नहीं, अलकादर ट्रस्ट केस जो है उसके अंदर भी आज़म खान साहब का एक बहुत बड़ा रोल है। उसके अलावा जो लेन देन मुबैना तौर पर बुशरा बीबी कर रही थी, बनीगाला में जो पैसे जा रहे थे, जो रुकूम हो रही थी, उनके बदले में जो काम करवाने होते थे दीगर डिफरेंट मिनिस्ट्रीज से, उसके लिए भी सारा बंदोबस्त जो है वो आज़म खान साहब ही करते थे। अब आज़म खान साहब जो हैं वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक बयान तो उन्होंने दे दिया है, साइफ़र की हद तक तो वो इमरान खान साहब के सामने खुलकर के ख़िलाफ़ खुलकर उनके सामने आ गए हैं। लेकिन आने वाले दिनों में आप ये भी देखेंगे कि वो सिर्फ इसी केस तक महदूद नहीं रहेंगे। इमरान खान साहब के ऊपर जो करप्शन के केसेस चल रहे हैं उनके अंदर भी आज़म खान साहब का बहुत बड़ा एक किरदार होगा जब वो गवाही देंगे इमरान खान साहब के ख़िलाफ़। और मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को आज़म खान साहब की गवाही ज़्यादा डेंट पहुँचाएगी अभी तक जो कुछ रेवलेशन हो चुकी हैं। इवन ये साइफ़र वाला केस है, इसके अलावा भी जो रेवलेशंस हो चुकी हैं उनसे शायद इतना नुकसान इमरान खान साहब को ना पहुंचे, जो आने वाले दिनों में आज़म खान साहब जो बातें करेंगे उनसे पहुंचेगा। इमरान खान साहब ने ऑब्वियसली जिस तरह के वो हैं उन्होंने इस बात को बहुत लाइटली लिया। उन्होंने कहा कि आज़म खान एक ईमानदार आदमी है और मुझे उस पर भरपूर एतबार है, मैं जब तक उसके मुँह से सारी बातें खुद नहीं सुन लेता मैं नहीं एतबार करूँगा, ये इकबाली बयान की कोई हैसियत नहीं। हैरानकुन बात यह है कि इमरान खान साहब एक ही तकरीर में इसहाक डार साहब के एक इकबाली बयान का जिक्र करते हैं कि उन्होंने शरीफ खानदान के खिलाफ एक इकबाली बयान दिया था और उसकी बहुत वैल्यू थी, लेकिन उसी के अंदर जब उनके खिलाफ कोई इकबाली बयान दे देता है तो वो कहते हैं कि उस इकबाली बयान की कोई वैल्यू नहीं। खैर ये तो इमरान खान साहब का तरीक़ाकार यही है, इमरान खान साहब का तरीका वारदात ही यही है कि वो एक ही वक्त पर दो मुख्तलिफ बातें करते हैं और उनके जो फॉलोअर्स होते हैं वो दोनों बातों पर मनमन यकीन कर लेते हैं, उस पर कोई सवाल नहीं उठाते। खैर अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में आज़म खान साहब के जो मज़ीद इनकशाफात होंगे उससे इमरान खान साहब कैसे बचने की कोशिश कर सकेंगे। आज के दिन की दूसरी खबर जो है वो आने वाले इंतखाबात से मुतल्लिक है। पाकिस्तान में इंतखाबात का इस वक्त दंगल सजने वाला है। हुकूमत जो है मौजूदा, पार्लियामेंट जो है मौजूदा, इसकी जो मुद्दत है वो ख़त्म होने वाली है। विद इन टू वीक्स जो है पार्लियामेंट डिसॉल्व हो जाएगी और उसके बाद जो है एक नया इलेक्शन आना है। अब वो जो नया इलेक्शन है उसके अंदर जो वोटर्स हैं उनका एक बहुत बड़ा किरदार ऑब्वियसली होता है। वोटर जिसको वोट देंगे वही पार्टी जीत कर आएगी और इक्तदार की मनसब पर बैठेगी। पाकिस्तान का जो इस वक्त का वोट बैंक है उसकी लेटेस्ट रिपोर्ट जो आई है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं आज के प्रोग्राम में। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 1,26,00,000 के करीब, सॉरी 12,60,00,000 के करीब वोटर हैं कुल जो पाकिस्तान के अंदर वोट डालने वाले हैं। ये तकरीबन 50% के करीब हैं जो कि कुल पाकिस्तान की पॉपुलेशन है। बहुत बड़ा नंबर है ये 12,60,00,000 का, बहुत बड़ा चंक है। अगर इसके अंदर से 50 या 60% भी टर्नआउट आ जाए तो 6-7 करोड़ से ज़ायद लोग जो है वो पोलिंग स्टेशन के ऊपर
पर मौजूद होंगे। पिछले इलेक्शंस के अगर पोलिंग के जो टर्न आउट्स हैं उनको मद्देनज़र रखा जाए तो उम्मीद की जा सकती है कि इस बार आने वाले इंतखाबात में तकरीबन 7 करोड़ के करीब लोग जो हैं वो इलेक्शन में अपना वोट का जो हक है वो इस्तेमाल करेंगे। ये जो वोटर्स हैं इनकी जो डिवीज़न है वो हम आपको बता देते हैं। इसमें तकरीबन 54% के करीब मर्द वोटर्स हैं जबकि बाकी जो 46% के करीब हैं वो ख़वातीन वोटर्स हैं। सबसे बड़ा जो इम्पॉर्टेंट बात है जिस पर इमरान खान साहब शायद बहुत ज़्यादा बैंक कर रहे हैं, आप मुख्तलिफ सर्वर्स में और रिपोर्ट्स में भी ये बातें सुनते रहते हैं, वो है जो नया वोट ऐड हुआ है या जो 18 से 25 साल का जो डेमोग्राफिक है या एज का ब्रैकेट है उसका जो वोट है उसकी जो है इम्पोर्टेंस वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब वो किस तरीके से बढ़ चुकी है वो मैं आपको बताता हूँ कि 18 से 25 साल का जो वोटर है वो इस वक्त तकरीबन 2,35,00,000 है, यानी कि अगर कुल वोटर का एक बहुत बड़ा चंक जो है वो नौजवान वोटर है जो कि 18 से 25 साल का है। और अगर हम इस एज ब्रैकेट को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, हम इसके अंदर 26 से 35 साल के लोगों को भी ऐड कर लेते हैं तो तकरीबन 3,26,00,000 के करीब वो बन जाते हैं। और अगर हम इसको थोड़ा सा और मज़ीद एक्सपैंड कर लेते हैं और 36 से 45 साल तक ले जाते हैं तो उसके अंदर मज़ीद 2,78,00,000 जो हैं वो वोटर ऐड हो जाते हैं। यानी कि अगर हम 18 साल से लेकर 45 साल तक के वोटर का एज ब्रैकेट देखें तो पाकिस्तान का जो वोट बैंक है या वोटर है 12,60,00,000 का, उसका जो 66% है वो ये 18 से 45 साल का एज ब्रैकेट है। यही वजह है कि बहुत ज़्यादा इस बात पर बात की जा रही है कि आने वाले दिनों के अंदर ये वाला जो वोट का हिस्सा है या ये नौजवानों का जो 18 से 25 साल का डेमोग्राफिक, 25 साल से लेकर 35 साल का और फिर ऑब्वियसली 45 साल तक का जो एज डेमोग्राफिक है इसके अंदर ही इलेक्शन का फैसला हो जाएगा। पुराने लोग जो हैं वो शायद इतना इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे इलेक्शन को, या 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोग। अब देखना इसमें ये भी है कि नौजवानों का यूजुअल टर्नआउट कम होता है ज़्यादा उम्र के लोगों के साथ। हमने जो पिछले इलेक्शंस के रिजल्ट्स देखे हैं, इवन दो ECP के डेमोग्राफिक्स के अंदर आपको वोटिंग का डेमोग्राफिक नहीं मिल सकता, लेकिन जो हमने अंदाज़ा लगाया है या जो कुछ स्नैप पोल्स के तौर पर जो किया जाता है इलेक्शन के दिनों में, उससे हमने जो अंदाज़ा लगाया उससे ये है कि जो नौजवान वोटर है वो उस तादाद में नहीं निकलता बाहर वोट देने के लिए। फॉर इंस्टेंस अगर 50% का या 55% का नेशनल टर्नआउट है तो जो नौजवान वोटर है उसका टर्नआउट 40% या 35% के आसपास देखने में नज़र आता है। वोट की जो डिवीज़न है उसमें एज़ यूजुअल पंजाब का हिस्सा बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा हिस्सा है। ऑब्वियसली पंजाब की पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, पंजाब ज़्यादा बड़ा सूबा है तो उसका हिस्सा भी इसी तरीके से ज़्यादा है। पंजाब का टोटल वोट है 7,16,00,000 जिसके अंदर तकरीबन 38,00,000 के करीब मर्द हैं और जिसमें 3,80,00,000 के करीब मर्द हैं और तकरीबन 3,30,00,000 के करीब ख़वातीन वोटर हैं। दूसरा जो है वो सिंध का वोट बैंक है। पंजाब के बाद जो सबसे बड़ा एक चंक है वो सिंध का है, वहाँ पर 2,53,00,000 टोटल वोटर है जिसमें से 1,43,00,000 जो है वो मर्द है और 1,21,00,000 जो है वो ख़वातीन हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर खैबर पख्तूनख्वा का नंबर आता है, वहाँ पर टोटल वोट जो है वो 2,16,00,000 है, उसमें तकरीबन 1,17,00,000 के करीब मर्द वोटर है और 9,00,000 और 90,00,000 और तकरीबन 20,000 के करीब जो है वो ख़वातीन वोटर है। बलूचिस्तान ऑब्वियसली सबसे एंड में आता है, वहाँ पर जो रजिस्टर्ड वोटर हैं उनकी तादाद 52,00,000 है जिसके अंदर 29,00,000 जो है वो ख़वातीन हैं और 23,00,000 जो है वो मर्द वोटर है। अब इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर ये भी है कि चूंकि इमरान खान साहब की जो वोट बैंक है वो पूरे मुल्क पर स्प्रेड आउट तो है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में उनकी ज़्यादा वोट बैंक है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की जो इस वक्त कौमी असम्बली की सीटें हैं आने वाले इलेक्शन में वो कम हो जाएंगी। एक इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर ये भी है कि ये जो वोटर है इसके अंदर जो इस बार नया वोट बना है, यानी कि 18 से 25 साल के अंदर, यानी उस डेमोग्राफिक के अंदर भी जो इस वक्त 18 से 19 साल या 18 से 20 साल का वोटर है उसकी जो तादाद है वो एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी इमरान खान साहब को वोट करती नज़र आएगी। तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, जब इलेक्शंस आने वाले होंगे तो हम इस पर आपको मज़ीद भी डिटेल्स देंगे, इस डेमोग्राफिक को भी मज़ीद डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक और प्रोग्राम के साथ। मुझे हसन इफ्तिखार को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।